नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा आपका अपने YouTube चैनल पूजा की रेसिपी में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मैक्रोनी। वैसे तो मैक्रोनी सभी को बहुत पसंद होती है, लेकिन खासकर बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। तो इस रेसिपी में मैं आपको मैक्रोनी उबालने का एक नया तरीका बता रही हूँ। ये तरीका आपने पहले कभी भी YouTube पर नहीं देखा होगा। इस तरीके से आप बहुत ही कम समय में बहुत बढ़िया मैक्रोनी उबाल कर तैयार कर लेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं मैक्रोनी की रेसिपी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हमें कुकर लेंगे। कुकर में हम एक बाउल मैक्रोनी ऐड करेंगे, जो कि लगभग 150 ग्राम के आसपास है, और उसकी डबल क्वांटिटी का पानी ऐड करेंगे। यानी कि मैंने एक बाउल मैक्रोनी ली है तो दो बाउल पानी ऐड किया है। पानी को ऐड करने के बाद इसमें हम दो चम्मच तेल डालेंगे, ताकि हमारी मैक्रोनी उबलते आपस में चिपके ना। तेल ऐड करने के बाद इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, ताकि उबलते हुए नमक का फ्लेवर मैक्रोनी के अंदर तक पहुंच जाए। अब कुकर के ढक्कन को बंद कर दो सीटी आने तक इसका वेट करेंगे। कुछ देर बाद दो सीटी आ जाती है तो दोस्तों गैस को बंद कर देते हैं। गैस को बंद करने के बाद कुकर की गैस को तुरंत निकाल कर इसका ढक्कन खोल देंगे। और ये देखिए, वाओ, कितनी बढ़िया मैक्रोनी उबलकर तैयार हुई है। इसका एक भी दाना तली से चिपका हुआ नहीं है। तो है ना ये आसान तरीका झटपट मैक्रोनी उबालने का। अब मैक्रोनी को एक छन्नी में छान लेते हैं और इसके पानी को अलग कर देते हैं। पानी को अलग करने के बाद इसमें मैं ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे, ताकि हमारी मैक्रोनी और ज़्यादा कुक ना हो। अब मैक्रोनी पूरी तरह उबल गई है। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में दो चम्मच तेल को गर्म कर लेंगे, जिसमें एक मैं लंबा कटा हुआ प्याज ऐड कर रही हूँ। इस प्याज को हम एक मिनट तक भूनेंगे, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। प्याज को चलाते भूनते हैं। इसके बाद दो बड़े टमाटर इसमें ऐड करेंगे, जिसे मैंने रफली चॉप कर रखा था। टमाटर को भी इसमें 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच गर्म मसाला और 1/4 से कम लाल कुटी मिर्च ऐड करेंगे। इन सब को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप बाजार से लाई हुई भी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, मैंने घर में कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड किया है। अब टमाटर को करछी की सहायता से दबाते हुए मैश कर लेंगे। टमाटर के भुन जाने के बाद इसमें एक शिमला मिर्च ऐड करूँगी, जिसे मैंने पहले से क्यूब में काट रखा था। शिमला मिर्च को हम 1 मिनट तक ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, क्योंकि हमें इसमें शिमला मिर्च की क्रंचीनेस बनी रहनी चाहिए, इसलिए हम शिमला मिर्च को 1 मिनट तक ही भूनेंगे। शिमला मिर्च के भुन जाने के बाद इसमें हम उबली मैक्रोनी ऐड करेंगे, जिसे मैंने पहले से उबाल रखा था। मैक्रोनी को ऐड करने के बाद इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। मैक्रोनी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। इसके बाद इसमें हम 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच टोमेटो केचप ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें आप इसमें ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें मैक्रोनी बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम दोस्तों इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैक्रोनी को आधे से 1 मिनट तेज आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। मैक्रोनी को भूनते हुए 1 मिनट हो गया, गैस बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया मैक्रोनी बनकर तैयार हुई है, जो सर्व के लिए तैयार है। इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये मैक्रोनी की रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी नई रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और एक और नई रेसिपी लाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।